तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा पहले किस तरह सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था। और देख रहे हैं कि अभी भी ये प्रदर्शन जारी है, उधर देख रहे हैं किस तरह से पुलिस इनको रोकने के लिए प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है, लेकिन यहाँ पर पानी के लगातार वाटर करंट के उपयोग के बाद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हिलने का नाम नहीं लेते, उनका हौसला लगातार मजबूत है। ऐसे हम आइए बात करने का प्रयास करते हैं, गुना चौधरी जी हैं, काले पीपल्स विधायक है उसे। स्पष्ट है लोकतंत्र में जो कत्ल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सदन के अंदर लड़ाई लड़ो निलंबित करती है, सड़क पे लड़ाई करो तो लाठियां पानी बरसाती है, इसके खिलाफ एकत्रित होकर हम किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़े और लड़ते रहे। किसानों के लिए तो मोदी और राज्य सरकार दे रही है पैसा, कहां दे रही है? गेहूं जिसकी लागत 2000 है वो 1600 रुपए बिक रहा है, ये कहते थे मिट्टी खरीद लेंगे गेहूं 2100 रुपए क्विंटल, आज गेहूं नहीं खरीद रहे, हमारी मांग है लागत बढ़ गई, इनने कहा था आमदनी दुगनी कर देंगे, हम तो 3000 रुपए क्विंटल गेहूं के भाव कर रहे हैं, मांग रहे हैं, स्पष्ट है ये किसान विरोधी शिवराज सरकार। लाडली बहना योजना क्या कहना चाहते हैं? लाडली बहना एक जेब से 1100 रुपए निकालो बहन के गैस के और उसे 1000 रुपए दे दो, ये बहन की जेब से ही निकाल के जो लूटे गैस की टंकी 500 रुपए करे उसको तभी राहत होगी, ना कि ये छूटा फरेब की बात।